इन लेक्चर्स में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी 12वीं के एग्जाम्स देने के बाद एडमिशन ले लेते हैं मेडिकल साइंसेज में, एलाइड हेल्थ साइंसेज में, नर्सिंग में, फार्म डी में, या इसके अलावा बीएस बायोलॉजी करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करना चाहें, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहें या माइक्रोबायोलॉजी। तो उनके लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी, जिसका कंटेंट है सबसे पहले तो 12 चैप्टर होंगे, 12। पहला जो चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल्स एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, विटामिंस, जेनेटिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी और बायोस्टेटिस्टिक्स। अब अगर आप चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो आप अपने राइट साइड पे देखें, इसमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रीनल सिस्टम। यानी इंसान के जिस्म तकरीबन 12 सिस्टम का बना हुआ है। अभी अगर आपको ये 12 सिस्टम्स आ जाते हैं, आप ये कोर्स जो है इसमें छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, आप इस कोर्स को कम्प्लीटली समझ लेते हैं, तो यूँ समझिए कि इंसान की फिजियोलॉजी को भी आप कम्प्लीटली समझ चुके हैं। साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 10 बेसिक पैथोलॉजी, तो फिजियोलॉजी को भी समझ जाएंगे और फिर इंसान में किस तरह से डिजीजेज आती हैं, तो बेसिक पैथोलॉजी में आप इंसान की डिजीज को समझ जाते हो। और फिर चैप्टर नंबर 11 है बेसिक फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में आती हैं मेडिसिंस यानी ड्रग्स, तो किस तरह से आप डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिंस इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से बात की जाएगी। तो इस ह्यूमन बायोलॉजी कोर्स में ओवरऑल ह्यूमन बॉडी से भी आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, डिजीजेस का भी बताया जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात की जाएगी। लिहाजा आप अगर फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं या नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज के हैं या मेडिकल साइंसेज के हैं, ये जो बायोलॉजी का कोर्स है ह्यूमन बायोलॉजी का, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।